वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन मगध पुत्र यूपीएससी. आइए अब हम लोग देखते हैं कि 8 प्रमुख कंस्टिट्यूएंट असेंबली के कमिटीज के चेयरमैन का नाम और कौन कौन जो है कमिटीज गठन किए गए थे. लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाई कमिटीज और सब कमिटीज वेयर फॉर्म्ड या फिर ऑर्गेनाइज्ड इन कंस्टिट्यूएंट असेंबली. देखिए, एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बना जिसमें कि लगभग 300 से भी अधिक मेंबर्स थे. तो इतने मेंबरांस जो है, कोई भी एक इश्यूज को अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत अधिक समय भी लगेगा और सब लोग जो है सभी एक क्षेत्र के एक्सपर्ट भी नहीं होते. ठीक है, किन्हीं लोगों को जो है फॉरेन अफेयर्स में अधिक इंटरेस्ट होता है. कोई लोग जो है ट्राइबल अफेयर्स के बारे में अधिक जानते हैं क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं. कोई लोग जो है ग्रामीण परिवेश के बारे में अधिक जानते हैं क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं. कोई लोग जो शहरी परिवेश के बारे में जानते हैं. ठीक इसी प्रकार सबके अपने अपने ना एक कह सकते हैं एक फील्ड होता है, अपने एक्सपर्टीज होते हैं, अपने अनुभव होते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं. तो उस हिसाब से भी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करने पर वो अपने सुझाव देते हैं. ठीक इसी को देखते हुए और साथ साथ जो है कि टास्क को इजी करने के लिए, अब जैसे देखिए एक चीज है कि यूनियन लिस्ट में कितने जो है सब्जेक्ट, यूनियन जो हमारा सब्जेक्ट है कि कौन कौन सब्जेक्ट पे यूनियन केंद्र सरकार जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम कर सकती है, कौन कौन सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम कर सकती है. तो इसके लिए कमिटी बनाया गया और जैसे 300-350 जितने भी मेंबर्स थे उसमें डिवाइड कर दिया गया कि भाई आप 10 या 20 लोग जो है इस चीज पे फोकस करें कि जो यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड करने चाहिए, कौन कौन से पावर्स जो है स्टेट लिस्ट में देना चाहिए, कौन कौन से पावर जो है कंकरेंट लिस्ट में होना चाहिए. तो इस प्रकार से जो है ना कमिटी में बांट बांट के, कमिटी में सब डिवाइड कर करके जो है डिफरेंट डिफरेंट टास्क और स्पेसिफिक टास्क मतलब बता दिया जाता था कि इस कमिटी जो है इसके लिए इस पर्पस के लिए बैठाई गई है और वह इस तमाम चीजों के बारे में जांच पड़ताल करेगी, अपने एक्सपर्टीज को बुलाएगी और उसके बारे में जान जो है पूरी की पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करेगी. आज भी देखोगे तो हमारे भारतीय संविधान में आज भी इन प्रेजेंट डे अभी भी देखो कैबिनेट कमेटी का निर्माण होता है, स्टैंडिंग कमेटी होती है, एडहॉक कमेटी होती है, इंटर पार्लियामेंट्री कमेटी होती है. तो डिफरेंट टाइप ऑफ कमिटीज जो है आज भी बैठते रहते हैं. ठीक है, तो उस कार्यकाल में भी मतलब कंस्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होने के बाद डिफरेंट कमिटीज को ऑर्गेनाइज किया गया. ठीक है, बहुत सारे सब कमिटीज भी बनाए गए और उसे एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया और उस विशेष एक पॉइंट पे, एक टॉपिक पे वो अधिक विचार विमर्श और गहरे डीप इन वे में जाकर एनालिसिस करके फिर रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम करने की बात कही गई. तो सबसे पहला जो है यूनियन पावर से संबंधित है कि मतलब केंद्र के पास कितनी शक्तियां होनी चाहिए, केंद्र के पास कौन कौन से शक्तियां होनी चाहिए और केंद्र जो है किन किन चीजों पे रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम कर सकती है और कौन कौन से ऐसे चीज है जो स्टेट गवर्नमेंट को जो है दे सकते हैं कि जाइए आप इन तमाम चीजों को हैंडल कीजिए, इन तमाम चीजों पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाइए. जैसे फॉरेन पॉलिसी है, डिफेंस है, रेलवे है, पोस्टल सर्विस है, नेशनल हाईवे है, इन सब चीजों पर जो है केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है. लेकिन ठीक उसी प्रकार एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इलेक्ट्रिसिटी है, दे आर इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट और ये सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट है. तो ठीक उसी प्रकार यूनियन के पास कितनी शक्तियां होनी चाहिए, यूनियन पावर कमिटी, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू. तो इनकी अध्यक्षता में यह इस कमिटी जो है फंक्शंस कर रहे थे. ठीक इसी प्रकार यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, इसके भी अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, आगे है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो प्रोविंशियल थे जो मतलब आज के जो स्टेट थे उसके कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन सभी को मालूम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. ठीक है, और एडवाइजरी कमेटी जो है ऑन फंडामेंटल राइट मतलब फंडामेंटल राइट जो मूलभूत अधिकार है, माइनॉरिटीज राइट एंड ट्राइबल राइट्स. ठीक है, इन तमाम चीजों के जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसके अंतर्गत भी कई एक सब कमेटियां थी. यहाँ प्रमुख जो है आठ मेन कमेटी है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे. आगे है रूल्स एंड प्रोसीड्यूर्स कमेटी, जो है इनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. मतलब जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है इनके प्रोसीड्यूर्स क्या होनी चाहिए, विधि जो होने मतलब विधि को बनाने के लिए जो विधि होता है प्रोसीड्यूर्स, उसके चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. आगे है स्टेट कमेटी. ठीक है, नेगोशिएटिंग विद स्टेट से हम कैसे नेगोशिएट करेंगे, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू.
आगे है स्टेयरिंग कमेटी, ठीक है, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये पूरे के पूरे जो है हम लोग प्रमुख जो आठ कमेटियां थी, ठीक है, जो प्रमुख मेन कमेटीज थी, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। और यह भी जाना कमेटी क्या जो है स्पेसिफिक टास्क लेकर जो है स्पेसिफिक चीजों पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे जो है बैठती है, उसके बारे में वो तह तक जाकर जो है जांच पड़ताल करती है, उससे संबंधित जितने भी लूप होल्स हैं, जितने भी मेरिट डिमेरिट एडवांटेज डिसएडवांटेज और किस प्रकार से क्या नियम कानून बनने चाहिए होने चाहिए, उन तमाम चीजों के बारे में फिर जाकर वो रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम करती है। तो ये पूरे के पूरे जो है हम लोगों ने जाना कि प्रमुख जो है आठ कमिटीज और बहुत सारे माइनर कमिटीज भी थे, ये हम लोगों ने आठ मेजर कमिटीज के बारे में जाना, ठीक है। आगे हम लोग जो है ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन जो है डॉक्टर अम्बेडकर थे, उन तमाम चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ उसके बाद जो है जनता के एड एंड एडवाइस के लिए रखा गया, कमेंट और ओपिनियन के लिए रखा गया, फिर कैसे वो पारित होता है, इन तमाम चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने आठ मेजर कमिटीज के बारे में पढ़ा, अब हम लोग एक जो कह सकते हैं ना कि कमिटीज बैठ जाने के बाद सारे जितने कमिटीज और मेजर एट कमिटीज थे और देयर वर मेनी सब कमिटीज, तो सारे कमिटीज ने अपने अपने रिपोर्ट्स, ठीक है, जो है अब प्रेजेंट करना प्रारंभ कर देते हैं। तो रिपोर्ट्स आ जाने के बाद, ठीक है, उस कमिटी के रिपोर्ट्स आ जाने के बाद अब आती है उस कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे ड्राफ्टिंग की। तो सभी को मालूम है कि हमारे संविधान के जो ड्राफ्टिंग चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इनकी अध्यक्षता में हमारा संविधान को ड्राफ्ट किया जाता है, ठीक है, इनके चेयरमैनशिप में। तो ड्राफ्टिंग कमिटी किस प्रकार से कार्य करती है, और मात्र 141 डेज में ही यह अपने संविधान का निर्माण करके भारत के जो है जनमानस के समकक्ष में प्रस्तुत कर देती है, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमिटी टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ड्राफ्टिंग कमिटी के कह सकते हैं कि हाथों में यह बागडोर दी गई कि आप जो है हमारे आने वाले भविष्य के नए संविधान की रूपरेखा को ड्राफ्ट करें, ठीक है, प्रिपेयर करें, उसकी तैयारी करें। टेक कंसिडरेशन द प्रपोजल्स ऑफ द वेरियस कमिटीज, प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जितने भी वेरियस कमिटीज थे, ठीक है, कंसिडरेशन द प्रपोजल, और उनके प्रपोजल मतलब उनके प्रस्ताव, जो भी कमिटीज बैठे थे, यूनियन लिस्ट हो गया, माइनॉरिटी अफेयर हो गया, ट्राइबल अफेयर हो गया, स्टेट नेगोशिएशन कमिटी हो गए, तो जितने भी कमिटीज थे मेजर और माइनर, सारे कमिटीज ने अपने प्रपोजल दिए, अपने प्रस्ताव दिए कि ये नियम होना चाहिए, ये प्रतिबंध होना चाहिए, ऐसे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए, ठीक है। उन तमाम प्रपोजल, उन तमाम प्रस्तावों को देखने के बाद, आ जाने के बाद अब बात आती है उसके ड्राफ्टिंग की। तो वही टेक कंसिडरेशन ऑफ द प्रपोजल, उन तमाम प्रपोजल, उन तमाम प्रस्तावों को कंसिडरेशन में लेकर, ठीक है, ऑफ द वेरियस कमिटी, जितने भी कमिटीज थी, प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, फर्स्ट पब्लिश्ड। देखिए, इसे सबसे पहली बार पब्लिश्ड किया जाता है इन 1948 फरवरी 1948, जो है जो ड्राफ्ट बन जाने के बाद, जितने भी कमिटी के प्रस्तावों को सम्मिलित कर लेने के बाद, जो है इसे पहली बार जनता के समकक्ष या समक्ष रखा जाता है, ठीक है, फरवरी 1948 में, ठीक है, 1948 फरवरी के महीने में ये पूरे के पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसको जो है प्रेजेंट कर दिया जाता है। किस लिए? ताकि जो इंडियन पीपल है, पीपल ऑफ द इंडिया, गिव 8 मंथ टाइम, मतलब 8 महीने का जो भारत के नागरिक थे, सिटीजन थे, उन्हें समय दिया जाता है कि आप 8 महीनों के अंदर जो है डिस्कस एंड प्रपोज अमेंडमेंट, आप उसे उसमें डिस्कशन करें। जैसे कोई भी चीज बने, जैसे फंडामेंटल राइट से संबंधित अगर कुछ नियम्स एंड कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम की है, और आपको एक ड्राफ्ट करके प्रपोजल पूरा रख दिया गया है कि हमारे आने वाले संविधान ऐसे होंगे, जैसे देखिए अभी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, ठीक है, चाहे कंज्यूमर हो गया, आईटी रूल्स आया, तो उसमें क्या किया, पहले ड्राफ्ट तैयार किया गया, ड्राफ्ट को ऑनलाइन जो है पोर्टल पर रख दिया गया, अब सिटीजन से कहा गया कि आप अपने सुझाव, सजेशन, क्रिटिसिजम्स, या फिर इसमें और क्या होने चाहिए, ऐसे कुछ एलिमेंट्स, कुछ ओपिनियन आप अपनी तरफ से सुझाइए, ताकि हम उस
ड्राफ्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशन या अमेंडमेंट आने वाला है, कोई नए विधायक विधायक की जो है कह सकते हैं कि फ्रेम होने वाली है, तो उसमें आपके सुझाव अगर अच्छे लगे तो हम उसे इंक्लूड करेंगे। कुछ अगर क्रिटिसिजम्स हैं, कुछ अगर आलोचनाएं हैं, तो उसमें हम विचार करेंगे कि क्या उस कुछ प्रोविजंस को हटा देने चाहिए। ठीक उसी प्रकार जो है जनता को, भारत के नागरिकों को 8 महीने का जो है समय दिया गया टू डिस्कस कि इस संविधान के प्रपोजल, इस संविधान के ड्राफ्ट के ऊपर आप डिस्कशन करें, इस पर विचार विमर्श करें, और साथ साथ प्रपोज आपको लगता है कि इसमें कुछ और इंक्लूड होना चाहिए, इससे में कुछ और कह सकते हैं कि इसके इसमें कुछ और संशोधन होना चाहिए, तो आप अमेंडमेंट और अपने प्रस्ताव, अपने वक्तव्य, अपने सुझाव, अपने ओपिनियंस, अपने सजेशन को भी सुझाएं। कमेंट, क्रिटिसिजम्स एंड सजेशन, ठीक है। एंड आफ्टर टेकिंग द कमेंट, क्रिटिसिजम एंड सजेशन, द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रेजेंट सेकेंड ड्राफ्ट और पब्लिश्ड सेकेंड ड्राफ्ट इन अक्टूबर 1948। देखिए, तमाम जनता का जो जो कमेंट आया उस वक्त, तो न्यूज़पेपर वगैरह था, इतना तो ऑनलाइन था नहीं, तो न्यूज़पेपर से या फिर जितने भी उस वक्त के, उस समय के एक्सपर्ट वगैरह थे, उन तमाम लोगों ने अपने सजेशन, अपने आलोचना जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के फर्स्ट जो है पब्लिश्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश्ड हो जाने के बाद जो है दिया जाता है कि ये हमारे सुझाव है, ये हमारे तर्क है, ये चीज इंक्लूड होना चाहिए, इस चीज को हटाना चाहिए। इन तमाम चीजों को जो है, सजेशंस को जो है, फिर इंक्लूड करने के बाद फिर से संविधान में थोड़ी बहुत सुधार की जाती है और उसे सेकेंड टाइम दोबारा पब्लिश किया जाता है उस ड्राफ्ट को इन अक्टूबर 1948, कह सकते हैं कि पूरा का पूरा अमेंडमेंट करके और पूरा का पूरा सुझाव को इंक्लूड करके जहां तक हो सके जो तर्क संगत लगा जो है ड्राफ्टिंग कमिटीज को। टुक लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से भी कम का समय लिया टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट, 6 महीने से भी कम का समय लगा इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर होने में। एंड 141 मतलब 141 दिन जो है बैठकर इस पर विचार विमर्श किया जाता है, सेट ओनली टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे कह सकते हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, उनकी निगरानी में, और जो है हमारा नया संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है बनकर तैयार होता है। इसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट जो है पूरे के पूरे जनमानस के समक्ष सेकेंड टाइम भी पब्लिश कर दिया जाता है। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो है इसका इनैक्टमेंट किया जाता है, ठीक है, और इसके बाद इसका इन्फोर्समेंट किस प्रकार से किया जाता है इसके अगले क्लास में। इनैक्टमेंट इन द सेंस किस प्रकार है और किस दिन हम इसे अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करने के पीछे कारण क्या था, क्या आखिर वजह था कि हम 26 जनवरी को जो है संविधान को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने पहले जान लिया, ठीक है। अब हम लोग वही इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन तमाम चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अंतिम क्लास में हम लोग जो है इसके कुछ क्रिटिसिजम्स को भी जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्लीज दी बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, एडवाइस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दे सकते हैं। लोकतांत्रिक देश है, कमेंट आपके लिए भी जो है खुला हुआ है। नाउ यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो डेट वॉट मोर इम्प्रूवमेंट एंड विच टॉपिक यू वॉन्ट लेक्चर्स और सम डिटेल्स, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विसेज और एनी पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस, हिस्ट्री, मोर और लेस हिस्ट्री एंड पॉलिटी, हम यहीं तक सीमित रखते हैं। आगे मतलब ज़्यादा डोमेन बढ़ाने की, अगर आप मैथ से पूछेंगे तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ठीक है, ओनली 2 सब्जेक्ट्स, बिकॉज रिसेंट पॉलिटी इज फ्यूचर हिस्ट्री, कह सकते हैं कि आज का जो राजनीति है वो भविष्य का इतिहास बनने वाला है, ठीक है, आने वाले समय के लिए वो एक इतिहास बन जाएगा। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। So that's all. Thank you once again. Have a great day.